Bismillahirrahmanirrahim. Once again, welcome. Am I clear to everyone? Awaaz aa rahi hai meri? Yes, sir. What I was saying is that in a previous lecture, I told you about the two different patterns of inflammatory dermatosis. These are major reaction patterns and minor reaction patterns. And I told you before that 80% of inflammatory dermatosis would fall under these six major reaction patterns. And rest of the 20% will fall in these minor reaction patterns. Among the major reaction patterns, we covered this lichenoid and interface dermatosis. We covered psoriasiform and spongiotic dermatosis. We covered vesicobulus. And in the last lecture on vasculitis, we covered this vasculopathy. तो नाउ वी आर लेफ्ट ओनली विद दिस ग्रैनुलोमेटस पैटर्न. ये जब आज के बाद हमारे ना मेजर रिएक्शन पैटर्न खत्म हो जाएंगे, देन वी वुड बी फोकसिंग ऑन द माइनर रिएक्शन पैटर्न. तो ये एक क्लासिफिकेशन आपको बार बार याद दिहाने के लिए इसलिए करा रहा हूँ कि ये आपके जहनों में बैठ जाए कि आपने जब भी एग्जाम के लिए या अपनी आइंदा लाइफ में जब भी बैठना है इन फ्रंट ऑफ माइक्रोस्कोप, आप ने यही पैटर्न सोच के इन्फ्लेमेटरी डर्मेटोसिस को डायग्नोज कर. नाउ द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन. ग्रैनुलोमा क्या है? द ग्रैनुलोमा इज अ मेडिकल टर्म फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ हिस्टोसाइट्स ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय अ फॉरेन सब्सटेंस. एस्ट्रोसाइट्स होते हैं ग्रैनुलोमा में, इनको एपिथेलियोइड सेल्स कहते हैं. और ये एक नोन फैक्ट है कि हिस्टोसाइट्स फॉरेन बॉडी को एनगल्फ करते हैं एंड देन विद एन एफर्ट टू एनगल्फ द फॉरेन बॉडी, जो ऑफ कोर्स एक ऐसी फॉरेन बॉडी होती है जो इजीली एनगल्फेबल नहीं होती. तो इस एफर्ट में जो हिस्टोसाइट्स एपिथेलियोइड सेल्स की शक्ल अख्तियार करते हैं. This is a special type of inflammatory reaction in both infectious and non-infectious diseases. The adjective granulomatous refers to diseases or inflammatory reactions that are characterized by formation of granuloma. This is a granuloma on the left side, and it is a relatively discrete or organized collection of epithelioid macrophages. यहाँ पे आप देखें मैक्रोफेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक. मैक्रोफेज का एक कैरेक्टर है जो मैं अक्सर बताता हूँ कि इसका एक वेजिकुलर न्यूक्लियस, ये सॉलिड न्यूक्लियस देखें लिम्फोसाइट का जो कॉर्नर पे बना हुआ डार्क हीमोटॉक्सिलिन स्टेन ब्लू स्टेन लिया हुआ, और यहाँ पे ये वेजिकुलर न्यूक्लियस है लाइट कलर का न्यूक्लियस. ऐसा लगता है कि जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर पानी भरा हुआ, इसीलिए इसको वेजिकुलर न्यूक्लियस कहते हैं. And it is relatively round with a copious cytoplasm, lots of cytoplasm. So, यही macrophages जब engulf करते हैं foreign material को, तो उस engulf करने की कोशिश में these macrophages they get elongated, उनके nuclei भी elongated हो जाते हैं. और ये elongated जो macrophages हैं, ये epithelioid macrophages कहलाते हैं. और collection of epithelioid macrophages is actually a granuloma. ग्रैनुलोमा में जो मेजर डेफिनेशन है वो है कि डिस्क्रीट एंड ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ एपिथेलियोइड मैक्रोफेज. ये मेजर डेफिनेशन, इसके ऊपर प्लस माइनस जॉइंट सेल्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. तो जॉइंट सेल्स की मौजूदगी ग्रैनुलोमा को डायग्नोज करने के लिए अहम नहीं है. एपिथेलियोइड के साथ नॉन एपिथेलियोइड मैक्रोफेजेस भी हो सकते हैं, लिम्फोसाइट्स होंगे, प्लाज्मा सेल्स होंगे, फाइब्रोब्लास्ट होंगे. अच्छा, ये बात जहन में रखें कि ग्रैनुलोमा इज नॉट डिफ्यूज शीट्स ऑफ हिस्टोसाइट. इस तरह से जो डिफ्यूज शीट ऑफ हिस्टोसाइट फॉर एग्जांपल लेप्रोमेटस लेप्रेसी में होती है, लेप्रोमेटस लेप्रेसी में देर इज नो ग्रैनुलोमा. और दूसरा डिफ्यूज शीट्स ऑफ हिस्टोसाइट्स हिस्टोसाइट्स की मेलिग्नेंसीज में होती है, लैंगरहैंस नॉन हैंकल लैंगरहैंस सेल हिस्टोसाइटोसिस. तो वो भी कंडीशन जो है ना वो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन नहीं है, वो हिस्टोसाइटिक ट्यूमर्स हैं.
तो ये बात आपने जहन में रखना है कि ग्रैनुलोमा उसी वक्त बनेंगे कि जब जब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। कॉजेज ऑफ ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल मटेरियल लाइक सिलिका, एस्बेस्टोस, टेल्क, limited resistance against microorganisms, for example tuberculosis and actinomycosis, koi bhi ho sakta hai, some impairment of body defense against acute inflammation like staphylococcus leading to botryomycosis staphylococcus ke against granulomas hai, this which has some impairment in body defense, any factor causing delayed healing, for example decreased blood supply or local nutrition or persistent hypersensitivity, for example tuberculosis. So these are 1, 2, 3, 4, 5 different causes of granuloma. Presence of insoluble material, limited resistance against microorganisms, some impairment of body defenses against acute infections, then some factor delaying the healing, or persistent hypersensitivity jaise TB mein. Granuloma form in response to antigen that are resistant to first responder inflammatory cells such as neutrophils and eosinophils. Antigen is most often an infectious pathogen or a substance foreign to the body, but often the offending antigen is unknown. Jaise ki hum kuch autoimmune disorders mein bhi granulomas expect kar sakte. So granulomas usi waqt bante hain ki jab initial या इनेट इम्यूनिटी इफेक्टिव नहीं होती, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स इफेक्टिव नहीं होते, फिर सेकंड रिस्पॉन्डर्स आते हैं, मैक्रोफेजेस आते हैं जो उस एंटीजन को एनगल्फ करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं या लिमिट करने की कोशिश करते हैं, अगर एनगल्फ नहीं भी करते तो उसको लिमिट ज़रूर करते हैं। मैक्रोफेजेस हिस्टोसाइट आर सेल्स दैट डिफाइन ग्रैनुलोमा, द अदर की टर्म इन द अबव डेफिनेशन इज द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज which refer to a tight or ball-like formation. Macrophages are typically so tightly clustered that the borders of individual cells are difficult to appreciate. Loosely dispersed macrophages are not considered to be granulomas. ठीक है, ये requirement है कि the macrophages should be tightly packed. अब यहाँ पे आप देखें, they are tightly packed और इतना tightly packed हैं कि individual definition of cells are not appreciated. मैं सवाल बाद में लूंगा। एपिथेलियोइड सेल्स, मैक्रोफेजेस बिकम लार्ज पॉलीगोनल विद पेल ओवल न्यूक्लियाई एंड एबंडेंट साइटोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म, जब वो एपिथेलियोइड सेल बनते हैं। अब ये आप देखें, ये जो सेल्स जो थोड़े थोड़े लंबे इनके न्यूक्लियाई हो रहे हैं, दीज आर एक्चुअली द एपिथेलियोइड सेल्स, और ये राउंड मैक्रोफेजेस हैं, नॉर्मल मैक्रोफेजेस। The epitheloid cells lack phagocytic activity and tend to arrange in groups. Macrophages become epitheloid cells when it has not undertaken phagocytosis or extruded phagocytose material. दूसरे लफ्ज में आप ये कह सकते हैं कि जो material था जिसको macrophage ने engulf किया, वो material इस किस्म का था कि उसको macrophages damage नहीं कर सके, और उस effort में वो एपिथेलियोइड सेल्स में कन्वर्ट हो गए। तो एपिथेलियोइड सेल्स एक तरह का ये इंडिकेटर है कि मैक्रोफेजेस फेल टू किल द एंटीजन्स विच आर प्रेजेंट इन द मैक्रोफेज। लेकिन एक जरूर फायदा है कि इस एपिथेलियोइड सेल ने उन एंटीजन्स को फर्दर स्प्रेड होने से रोक लिया। जब भी आप कभी देखें कि अगर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी लो हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस के केस में, तो फिर जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो डिसेमिनेट होता है, क्योंकि फिर उसको लिमिटेशन नहीं होती ग्रैनुलोमास में उनकी। यहाँ पे इट इज वर्थ वाइल टू मेंशन व्हाट आर द फोमी हिस्टोसाइट। इफ मैक्रोफेजेस आर अनएबल टू एक्सट्रूड द फैगोसाइटोज मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल लेप्रा बेसिलाई इन लेप्रोमेटस लेप्रोसी एंड इनजेस्टेड लिपिड इन ज़ेंथोमेटोसिस, the histocytes become foamy but does not become epithelioid. So yahan pe ye ek differentiation foamy macrophages ka ye hai ki ye
दे आर मैक्रोफेजेस, दे आर नॉट एपिथेलियोइड सेल्स. और दूसरा ये है कि इन बोथ दीज टू कंडीशंस देर आर नो ग्रैनुल्स, दीज आर शीट्स ऑफ मैक्रोफेजेस. तो इस इन दोनों में ग्रैनुलोमास नहीं होते और ये ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन में ये दोनों डिसऑर्डर्स नहीं आएंगे. What are the additional cells in granuloma? All granulomas may contain some additional cells. For example, lymphocyte, neutrophil, eosinophil, multinucleated giant cells, fibroblasts, plasma cells ka zikr nahi kiya, unka usko bhi likhe. The additional cells are sometimes a clue to the cause of granuloma. For example, neutrophils containing granulomas ko hum suppurative granuloma kehte hain. Eosinophilic granulomas hum सोचेंगे कोई ड्रग्स इंसेक्ट बाइट रिएक्शन टाइप. प्लाज्मा सेल्स आर कॉमन इन क्यूटेनियस लिश्मीनियसिस. तो ये थोड़े बहुत जो एडिशनल सेल्स हैं ये कुछ डिजीजेस का क्लू देते हैं. मतलब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें पहले ग्रैनुलोमा आइडेंटिफाई कर, उसके बाद फिर हम मजीद सेल्स को देखेंगे. एक बात मैं पासिंग रेफरेंस के तौर पर यहाँ पे कह दूँ जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हमने ना ग्रैनुलोमा को मेजर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन पैटर्न में डाला हुआ है, जिसके अंदर लाइकेनॉइड भी हैं, सोरेसिफॉर्म डिसऑर्डर्स भी हैं, स्पॉन्जियोटिक भी हैं, वेजिकोबुलस भी हैं. अगर आपको ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन मिल गई, अगर आपको डर्मस में ग्रैनुलोमा मिल गए, तब आपने एपिडर्मस में सोरेसिफॉर्म चेंज, स्पॉन्जियोटिक चेंज या लाइकेनॉइड चेंज को इग्नोर कर देना. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको डर्मस में ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन मिल गई, तब आपने एपिडर्मस के अंदर सोरेसिफॉर्म चेंज, लाइकेनॉइड चेंज या स्पॉन्जियोटिक चेंज को इग्नोर कर देना है, क्योंकि ग्रैनुलोमा के साथ बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं कि जिनमें एपिडर्मस की इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, जैसे कि क्यूटेनियस लिश्मीनियसिस. आप क्यूटेनियस लिश्मीनियसिस में अगर एक ड्राई टाइप क्यूटेनियस लिश्मीनियसिस की आप बायोप्सी करें तो एपिडर्मस में सोरेसिफॉर्म हाइपरप्लेजिया होगा और स्पॉन्जियोसिस भी होगा. इस तरह से अगर आप अल्सरेटेड टाइप की करें तो एपिडर्मल नेक्रोसिस भी होगी, स्पॉन्जियोसिस भी होगा. लेकिन ये सारी चीजें मिसलीडिंग है. मिसलीडिंग ऐसे हैं कि आपका मेन फोकस से आप हट जाएंगे, आप एपिडर्मस की पैथोलॉजी को इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे और आप डर्मस को इग्नोर कर देंगे और आपकी स्लाइड गलत हो जाएगी. इसलिए आपको मैं दोबारा कह रहा हूं कि जब आपने आपको डर्मस में इन्फ्लेमेशन मिल रही है, आपने वहां ग्रैनुलोमा आइडेंटिफाई कर ली है, एपिडर्मस की चेंजेस उस वक्त फिर गैर इम्पॉर्टेंट और यूजलेस हो जाती है. उनको मेंशन करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनका सिग्निफिकेंस कोई नहीं रहता. हम ग्रैनुलोमा की मौजूदगी में एक्जिमा डायग्नोज नहीं करेंगे या हम सोरेसिस डायग्नोज नहीं करेंगे. ग्रैनुलोमा बजाते खुद एक कैटेगरी है और बहुत बड़ी कैटेगरी. There are two type of granulomas. एक वो granulomas हैं जिनको हम कहते हैं लो टर्न ओवर granulomas और एक वो granulomas हैं जिनको कहते हैं हाई टर्न ओवर granulomas. टर्न ओवर से मतलब यही है कि नए सेल्स रिक्रूट होते रहते हैं और पुराने सेल्स वहां से जाते रहते हैं. लो टर्न ओवर granulomas हैं फॉरन मटीरियल वाले granulomas which are formed against a foreign material. The rate of proliferation and recruitment of macrophages from the blood monocyte is slow in low turnover granulomas. हाई टर्नओवर ग्रैनुलोमास कौन से हैं? लाइक बीसीजी वैक्सीनेशन के बाद जो ग्रैनुलोमा बनेगा. मैक्रोफेजेस लिव फॉर अ शॉर्ट वाइल इन द टिश्यू एंड आर कंटिन्यूसली रिप्लेनिश्ड बाय ब्लड मोनोसाइट्स. दीज आर हाई टर्नओवर ग्रैनुलोमा. नाउ द इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रैनुलोमा. इसको हमने टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, इन्फेक्शियस ग्रैनुलोमास एंड नॉन इन्फेक्शियस ग्रैनुलोमास. इन्फेक्शियस ग्रैनुलोमास में ट्यूबरक्लोसिस है, लेप्रसी है, डीप माइकोसिस हैं जिसमें और भी तरह के डीप माइकोसिस हो सकते हैं, और बाज दफा सिफिलिस की फॉर्म है जैसे कि गमेटस फॉर्म. वैसे सेकेंडरी सिफिलिस में भी ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो सकती है, लेकिन ज्यादा हम टर्शियरी सिफिलिस या गमेटस सिफिलिस में देखते हैं इन्फेक्शियस ग्रैनुलोमा. तो टीबी, लेप्रसी, डीप माइकोसिस एंड सिफिलिस एंड सिफिलिस. इसको इसमें आप बोट्रोमाइकोसिस भी ऐड करें, मैंने वो मिस कर दिया. तो स्टेफलोकोकस की वजह से जो माइको जो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है उसको बोट्रोमाइकोसिस. नॉन इन्फेक्शियस
लिशमिनियसिस भी इसमें मिस हुआ है. अच्छा ठीक है, लिशमिनियसिस भी ऐड करें. इन्फेक्शियस ग्रैंडोमास, नॉन इन्फेक्शियस ग्रैंडोमास, सार्कोइडोसिस, क्रोन्स डिजीज, बर्लियोसिस, वैगनर ग्रैंडोमेटोसिस, श्वेग्स्ट्रॉस, ये दो हमने लास्ट टाइम किए हैं जिनको हम ग्रैंडोमेटस वेस्कुलाइटिस कहते हैं. तो ग्रैंडोमेटस वेस्कुलाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो गई, फॉरेन बॉडी ग्रैंडोमास हो गए, और सार्कोइडोसिस, ये नॉन इन्फेक्शियस ग्रैंडोमास की कॉज. एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ग्रैंडोमा इज वेदर दे कंटेन नेक्रोसिस और नॉट, ये भी काफी सिग्निफिकेंस रखता है. द टर्म केजिएशन रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस दैट अपीयर चीज लाइक एंड इज टिपिकली बट नॉट यूनिकली अ फीचर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. आमतौर पर केजिएशन हम टीबी का फीचर ही कंसिडर करते हैं, लेकिन रेयरली केजिएशन नॉन ट्यूबरक्लोसिस डिजीज जैसे लिशमिनियसिस में भी हो सकता है. केजिएशन की एक्चुअली शक्ल कैसी है वो मैं भी आपको मैंने टीबी वाले चैप्टर में बताया था और अब दोबारा भी बताऊं. ग्रैंडोमा विद नेक्रोसिस टेंड टू हैव एन इन्फेक्शियस कॉज. ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर ग्रैंडोमा में केजिएशन नेक्रोसिस हो रहा है तो यू वुड कंसिडर इन्फेक्शियस कॉजेज इन दोज ग्रैंडोमा. नाउ द जाइंट सेल्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस दैट मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स डू नॉट हैव टू बी प्रेजेंट टू मीट द क्राइटेरिया फॉर अ ग्रैंडोमा. पहले भी कह दिया, दोबारा भी मेंशन कर दिया. जॉइंट सेल्स आपको एडिशनल हेल्प या मदद जरूर दे देंगे टू डायग्नोज ग्रैंडोमा, बट इनका मौजूद होना ग्रैंडोमा के डायग्नोसिस का प्री रेक्विजिट नहीं है. देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट सेल्स सीन इन ग्रैंडोमेटस इन्फ्लेमेशन. दीज आर द टू कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट सेल्स. ऑन द लेफ्ट साइड इज फॉरन बॉडी टाइप जॉइंट सेल एंड ऑन द राइट साइड इज लैंगहेंड टाइप. फॉरन बॉडी टाइप जॉइंट सेल में आप देखेंगे कि न्यूक्लिया हैपहैज़र्डली पड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म, जबकि लैंगहेंड टाइप जॉइंट सेल में न्यूक्लिया एक बहुत नीटली अरेंज्ड हैं इन अ हॉर्स शू शेप का. ये न्यूक्लिया सर्कुलर नहीं है, ये एक साइड पे एक आर्क बना रहे हैं जैसे हॉर्स शू होता है. तो दिस हॉर्स शू अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लिया इज सीन इन लैंगहेंड टाइप जॉइंट सेल. नाउ दिस इज अ ट्यूटॉन जॉइंट सेल. ट्यूटॉन जॉइंट सेल हमें ज़ेंथोग्रैंडोमास में मिलता है और डिफरेंट अदर हिस्टोसिटिक डिसऑर्डर्स में मिल सकता है. इसमें क्या होता है जी, इसमें जो न्यूक्लिया है ना वो रीथ लाइक फॉर्मेशन बनाते हैं एक सेंटर में. रीथ क्या होती है आप लोगों, कुछ लोगों को शायद पता हो, फौजियों को तो पता होता है कि रीथ क्या होती है, लेकिन शायद आपको अंदाजा ना हो कि आमतौर पे आप जब कभी देखेंगे किसी किसी डिग्निट्री की, किसी बड़े आदमी की डेथ होती है तो जो बड़े लोग आके उसकी कब्र पे विजिट करते हैं तो वो एक फ्लोरल रीथ लेके आते हैं. वो एक राउंड सी एक चीज होती है जिसमें फ्लावर्स लगे होते हैं, तो उसको हम रीथ कहते हैं. और इसमें ट्यूटॉन टाइप जॉइंट सेल में जो न्यूक्लिया हैं ये इस तरह से सर्कुलर अरेंजमेंट में होते हैं. अच्छा, इसके अलावा ये साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द न्यूक्लिया तो अरेंज्ड हैं, लेकिन इसके अलावा एक और साइटोप्लाज्म भी है इस माइक्रो इस जॉइंट सेल में. इसके इसके एक सेंट्रल साइटोप्लाज्म है जिस तरह से आम जॉइंट सेल में होता है यूसिनोफिलिक, पर एक और सेल मेम्ब्रेन इसके बाहर है, और जो बाहर वाला साइटोप्लाज्म है उसके अंदर फोमी साइटोप्लाज्म. तो दिस कंप्लीट इज अ ट्यूटॉन टाइप जॉइंट सेल. एक फोमी साइटोप्लाज्म है बाहर, और अंदर जो है ना वो जो डेंस इयोसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म है जिसके गिर्द सर्कुलर अरेंजमेंट में न्यूक्लिया मौजूद है, जिसको हम रीथ लाइक कॉन्फिगरेशन कहते हैं. अप्रोच टू ग्रैंडोमेटस इन्फ्लेमेशन. अब आपको आपके एक स्लाइड आई एग्जाम में कि जिसमें आपने आइडेंटिफाई किया कि ये एक ग्रैंडोमेटस इन्फ्लेमेशन. तो आपने पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो ग्रैंडोमेटस, पहले तो ये आइडेंटिफाई किया कि ग्रैंडोमास हैं. अब सेकंड फेज में ये आइडेंटिफाई करना है कि ग्रैंडोमेटस इन्फ्लेमेशन किस किस्म की है. वो चार किस्म के जो ग्रैंडोमेटस इन्फ्लेमेशन होती हैं वो आई विल एक्सप्लेन टू यू शॉर्टली. उसके बाद उसके अंदर जॉइंट सेल्स हैं तो किस फॉर्म के हैं. आमतौर पर जो लैंगहेंड टाइप जॉइंट सेल्स हैं वो हम टीबी से स्पेसिफाई करते हैं. लिशमिनियसिस में दोनों टाइप के हो सकते हैं जॉइंट सेल्स. सार्कोइडोसिस में आमतौर पर फॉरेन बॉडी टाइप जॉइंट सेल्स होते हैं. तो इस तरह ना जॉइंट सेल्स की टाइप से हम थोड़ा बहुत डायग्नोसिस की हमें मदद मिल जाती है. देन समटाइम वी रिक्वायर द पोलराइज माइक्रोस्कोपी बाय मीन्स ऑफ अ पोलराइज लेंस, और ये हम माइक्रोस्कोपी करते हैं फॉरेन मटीरियल में. अगर हमें फॉरेन बॉडी जॉइंट सेल्स एबंडेंस में मिल रहे हैं तो हमें शक हो सकता है कि ये फॉरेन बॉडी ग्रैंडोमास, तो फिर हमें पोलराइज माइक्रोस्कोपी करनी पड़ती. हम बाज दफा स्पेशल स्टेन्स कराते हैं
ZN stain, PA stain, Gram stain. ZN stain जो है ना ये हम कराते हैं tuberculosis में, PA stain हम कराते हैं fungal infection में, Gram stain हमें कराना पड़ता है बाज दफा botrymycosis में करेंगे, और दूसरा हम actinomycosis में करेंगे, बाज दफा हमें mycetoma के differentiation में Gram stain कराना पड़ता है. तो negative stain does not rule out infection. हमें बाज दफा कल्चर भी कराना पड़ता है, इवन PCR कराना पड़ जाता है या अदर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन की. कई दफा मेरे पास या आप भेजते होंगे अपने स्लाइड बायोप्सीज टू डायग्नोज ग्रैंडोमा, लेकिन बायोप्सी में कोई ऐसे टिपिकल फीचर ही नहीं होते कि जिसके बेसिस पे हम इसको कोई खास नाम दे सकें. तो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट निकालते हैं ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन. अब जब इस किस्म की रिपोर्ट आ जाए तो फिर आप लोग या क्लिनिशियन फिर फिक्स में आ जाता है, क्योंकि हमें ना अब डायग्नोज करना है, हमने तो मेडिसिन देनी है, हमने तो ट्रीट करना है, हमें तो चाहिए कि ये किस किस्म का ग्रैनुलोमा है. तो फिर हमें मजीद इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं जिसमें कल्चर स्टडीज या PCR या रेडियोलॉजिकल और अदर लैब इन्वेस्टिगेशन शामिल हैं. नाउ द मॉर्फोलॉजिकल टाइप ऑफ ग्रैनुलोमा. ग्रैनुलोमा को हम जनरली चार फेजेस टाइप में डिवाइड करते हैं, थायरॉइडल ग्रैनुलोमा और फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा. क्योंकि फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा की फीचर थायरॉइडल ग्रैनुलोमा वाले होते हैं, इसलिए हम इसको एक कैटेगरी में क्लासिफाई. थायरॉइडल और फॉरेन बॉडी के अलावा दूसरा है ट्यूबरक्लॉइड ग्रैनुलोमा, तीसरा है नेक्रोबायोटिक और पैलिसेडिंग ग्रैनुलोमा, और फोर्थ कैटेगरी है सपोरेटिव. अब ये सारे ग्रैनुलोमा मैंने वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करने हैं कि कैसे नजर आते हैं और इनके क्या डायग्नोस्टिक फीचर. सबसे पहले हम ट्यूबरक्लॉइड ग्रैनुलोमा का जिक्र करें, और जिन लोगों ने मेरा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का लेक्चर अटेंड किया है उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इन इन ग्रैनुलोमास का, लेकिन अभी मैं इसको दोबारा डर्मेटोपैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इनको डिवाइड कर रहा हूँ. ट्यूबरक्लॉइड ग्रैनुलोमास किन किन कंडीशन में पाए जाते हैं? ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लीड, लेप्रसी, लेट सिफिलिस, लिशमेनियसिस, ब्रूसेलोसिस, रोजेशिया, पेरीओरल डर्मेटाइटिस, मिल्कसन रोजेनथॉल सिंड्रोम, एक्नी एग्मिनेटा या जिसको अब आजकल हम ग्रैनुलोमेटस रोजेशिया कहते हैं, क्रोन्स डिजीज. तो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज ऑफ ट्यूबरक्लॉइड ग्रैनुलोमा. ये जितनी डिजीजेस मैंने इस टेबल में लिखी हैं, इन तमाम डिजीजेस की जो एक बात जो कॉमन है वो प्रेजेंस ऑफ ट्यूबरक्लॉइड टाइप ग्रैनुलोमा. तो ट्यूबरक्लॉइड टाइप ग्रैनुलोमा होता क्या है? अच्छा, वो मैं आपको अभी आगे आगे बताता हूँ. ट्यूबरक्लोसिस की ये हमने डेफिनेशन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के चैप्टर में कर ली कि इनोकुलेशन टीबी कौन सी है, एंडोजेनस टीबी कौन सी है, और इमेटोजेनस स्प्रेड वाली टीबी कौन सी है. लूपस वल्गैरिस की तस्वीर देखने, ये एक ट्यूबरक्लॉइड ग्रैनुलोमा. इस ट्यूबरक्लॉइड ग्रैनुलोमा के चंद फीचर्स हैं जो नोट करने वाले. नंबर एक, ये जो ग्रैनुलोमास हैं ये वेल सर्कमस्क्राइब नहीं है. आप ये देखेंगे कि ये, अच्छा सबसे पहले देखें ये जो तस्वीर लगाई है ये स्कैनर या फोर मैग्नीफिक, और इस तस्वीर में आपको डर्मिस के अंदर बड़े बड़े पिंक एरियाज नजर आ रहे हैं विच आर सराउंडेड बाय ब्लू एरिया. जो ब्लू एरियाज हैं वो लिम्फोसाइट्स या प्लाज्मा सेल्स, और पिंक एरियाज डेफिनेटली मैक्रोफेजेस और एपिथेलियोइड्स. लेकिन जो चीज नोट करने वाली है वो ये है कि ये जो मैक्रोफेजेस हैं, सॉरी ये जो ग्रैनुलोमास हैं, ये ग्रैनुलोमा डिस्क्रीट नहीं है, ये एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रहे हैं. तो दीज ग्रैनुलोमा जो ट्यूबरक्लॉइड ग्रैनुलोमास हैं, जो टीबी और टीबी रिलेटेड डिसऑर्डर्स में ग्रैनुलोमा होते हैं, उनकी पहली जो फीचर ये है कि इनके जो ग्रैनुलोमास हैं वो डिस्क्रीट नहीं है, वो लेस सर्कमस्क्राइब्ड हैं और कन्फ्लुएंट हैं और एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रहे हैं. देन दूसरी फीचर, जो इनका जो इन ग्रैनुलोमास के गेट एक प्रोमिनेंट इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट होता है विच इज कंप्राइजिंग ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स, और जो जॉइंट सेल्स पाए जाएंगे इन ग्रैनुलोमास में वो जॉइंट सेल आमतौर पे लैंगहैन टाइप जॉइंट सेल. नंबर एक फीचर के ग्रैनुलोमास नॉन सर्कमस्क्राइब्ड हैं, कन्फ्लुएंट. नंबर टू, इन ग्रैनुलोमास के गिर्द डेंस इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट है
which comprises of lymphocytes and plasma cells. Neutrophils और eos भी हो सकते हैं, लेकिन main lymphocytes and plasma cells. तीसरा feature कि जो giant cells हैं वो ज्यादातर इनमें Langhans type होते हैं. और चौथा feature जो अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, काफी diagnostic है, नहीं हो तब भी हम उसको tuberculoid granuloma कह सकते हैं, और वो feature है presence of caseation necrosis. अब यहाँ पे एक और स्लाइड है टीबी की. अब यहाँ पे आपको अगेन स्कैनर व्यू, स्कैनर व्यू में आप देख रहे हैं कि पिंक एरियाज नजर आ रहे हैं और काफी ब्लू ब्लू एरियाज. तो ये जो ब्लू एरियाज हैं ये लिम्फोसिटिक एंड प्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेट है सराउंडिंग दीज ग्रैनुलोमा, और इन ग्रैनुलोमा में यहाँ यहाँ जॉइंट सेल्स भी नजर आ रहे हैं. जब आप हायर मैग्निफिकेशन पे जाएंगे तो ये जॉइंट सेल्स ज्यादा वाजे हो जाएंगे. ये तकरीबन वो पिक्चर थी जो मैंने थोड़ी देर पहले लगाई थी. यहाँ पे आप ये नोटिस करें कि यहाँ पे बड़े टिपिकल एपिथेलियोइड सेल्स नजर आ रहे हैं, लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल न्यूक्लियाई. ये मैक्रोफेजेस ऐसा है तो ये एपिथेलियोइड सेल्स लंबे लंबे चबूतरे से लंबे लंबे सेल्स होते हैं जो एपिथेलियोइड सेल्स. दिस इज केजिएशन. केजिएशन नेक्रोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी एंड नॉट द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया. ये मैंने आपको पहले भी बताया था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के चैप्टर में. दिस इज एन एग्जैजुरेटेड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिजल्टिंग इन टिश्यू नेक्रोसिस. इसका ना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की विरुलेंस या टॉक्सिक इफेक्ट से कोई ताल्लुक. केजिएशन नेक्रोसिस इज एन स्ट्रक्चरलेस नेक्रोसिस. जो पूरा का पूरा डर्मिस है वो स्ट्रक्चरलेस हो गया. यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स की कोई डेफिनेशन नहीं. गौर से भी देखने से आपको कोलेजन फाइबर्स आइडेंटिफाई नहीं होंगे. और आपको मैंने पहले कई दफा बताया है कि जो केजिएशन नेक्रोसिस है वो पिंकिश कलर का नजर आ, चाहे एपिडर्मिस में हो चाहे डर्मिस में. दिस इज ऑल केजिएशन. स्ट्रक्चरलेस सा एक एरिया है जिसमें ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स तो पड़े हुए हैं लेकिन बैकग्राउंड कोलेजन नहीं है, सिर्फ एक इओसिनोफिलिक सा एक स्मज सा मटीरियल पड़ा. हम ए बीस कराते हैं, जेड एन स्टेन करते हैं, इसको हम जील नेल्सन स्टेन कहते हैं फॉर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. और जेड एन स्टेन को आप याद रखें, हाँ अगर लेप्रसी होगा तो हम लेप्रा स्टेन कराएंगे. और इन दोनों स्टेन्स को हमने देखना है 100 मैग्निफिकेशन में, जिसको हम ऑयल इमर्शन लेंस कहते हैं. इस स्लाइड को लगाएंगे हम, इस स्लाइड को 100 वाली मैग्निफिकेशन में देखेंगे और एक ड्रॉप सीडार वुड ऑयल का डालेंगे, क्योंकि 100 मैग्निफिकेशन या ऑयल इमर्शन लेंस में ऑयल के बगैर स्लाइड को नहीं व्यू किया जा सकता, इसीलिए इसको ऑयल इमर्शन लेंस कहा जाता है. तो जेड एन स्टेन में ये बेसिलाय आपको ब्लूइश कलर के नजर, सॉरी रेडिश रेडिश कलर के नजर आएंगे ये जो रॉड्स हैं, सॉलिड रॉड्स. दिस स्लाइड शोज द कैरेक्टरिस्टिक लैंगरहैंस टाइप ऑफ जॉइंट्स. वाटर टीबी के मैंने आपको बताई थी हिस्टोलॉजी क्या है, कि इसमें हाइपर केराटोसिस एंड सोरेसिफॉर्म हाइपरपेजिया के अलावा नीचे टिपिकल ट्यूबरक्लोसिस वाली हिस्टोलॉजी को ग्रैनुलोमेट. क्लोफ्लोडर्मा कंटिगुअस स्प्रेड है अंडरलाइंग लिम्फ नोड बोन या जॉइंट के ऊपर से. तो बेसिकली इसमें न्यूट्रोफिलिक एब्सेसेस होते हैं, न्यूट्रोफिलिक एब्सेसेस के गिर्द ट्यूबरक्लोइड ग्रैनुलोमास होते हैं, ये आपको बता चुका हूँ. मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस में भी न्यूट्रोफिलिक एब्सेसेस होती हैं एंड दीज न्यूट्रोफिलिक एब्सेसेस आर सराउंडेड बाय ग्रैनुलोमा. ये ग्रैनुलोमा सराउंडेड बाय ये जॉइंट सेल्स भी नजर, ग्रैनुलेटस. ये एब्सेस है न्यूट्रोफिलिक और ये ग्रैनुलोमा, तो एब्सेस के गिर्द ये ग्रैनुलोमा जॉइंट सेल्स भी नजर आ रहे हैं. तो मिलियरी टीबी, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस और स्क्लेरोफ्लेब्रमा में न्यूट्रोफिलिक एब्सेसेस होंगे और सराउंडेड बाय ग्रैनुलोमा. Now, tuberculosis. Tuberculosis ka I already described and discussed in my last lecture implies the immunological reaction to an active inflammation elsewhere. Live organisms are absent and culture is negative. तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस हैं, लाइकेनोस्पोरम है, पेप्लोनेक्रोटिक ट्यूबरक्लोसिस है,
एरिथेमा इंड्यूरेटम है, ये रेपिटिशन है लाइकेन स्क्लेरोसोरम का. लाइकेन स्क्लेरोसोरम वो टिपिकल ग्रैनुलोमास हैं जो पेरीफॉलिकुलर होते हैं. मैंने जब लाइकेन स्क्लेरोसोरम का जिक्र किया था तो मैंने आपको पेरीफॉलिकुलर ग्रैनुलोमास बताए थे, दो और ग्रैनुलोमा बताए थे जो पेरीफॉलिकुलर होते हैं. वो कौन से थे, सवाल पूछ रहा हूँ आप लोग, तो और कौन से पेरीफॉलिकुलर ग्रैनुलोमा बताए थे लाइकेन स्क्लेरोसोरम के अलावा? एक तो ग्रैनुलोमेटस रोसेशिया, मेटेसिस ग्रैनुलोमा, एक्नी एग्मेनाटा. हाँ बिल्कुल ठीक. तो ये तीन डिसऑर्डर्स को याद रखें, पेरीफॉलिकुलर ग्रैनुलोमा जो हेयर फॉलिकल के गिर्द होते हैं, लाइकेन स्क्लेरोसोरम, मजोकी ग्रैनुलोमा और ग्रैनुलोमेटस रोसेशिया या एक्नी एग्मेनाटा, जो भी आप उसको नाम दें, अलग अलग कर लें या इकट्ठा कर. क्रोन्स डिजीज किन के ऊपर आती है, जिसको हम पेरी एनल कह लें, क्रोन्स एक्स्ट्रा जेनेट एक्स्ट्रा जी आई ट्रैक, या हम मेटास्टैटिक कह लें, जिस तरह से उसका नाम ले लें, लेकिन अगर ये आपको पेरी एनल एरिया में ग्रैनुलोमेटा ग्रैनुलोमेटस टाइप लीजन्स या नोड्यूल्स और प्लाक्स बनते हुए नजर आए और बायोप्सी करके ग्रैनुलोमास मिलें, तो हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए उसको क्रोन्स डिजीज के लिए. इट इज आइदर ड्यू टू डायरेक्ट एक्सटेंशन और अ मेटास्टैटिक. पेरी मतलब क्रोन्स डिजीज है, इट हैज कैरेक्टराइज बट टिपिकली बाय ट्यूबरक्लॉइड ग्रैनुलोमास. वही ग्रैनुलोमास है, दरमियान में लैंगन टाइप जॉइंट सेल पड़ा हुआ है. ये बड़ा खूबसूरत सा लैंगन टाइप जॉइंट सेल है इन मिडल ऑफ दिस ग्रैनुलोमा ऑन डेंस सराउंडिंग इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट. ये भी एक ग्रैनुलोमा है, अगेन ये जॉइंट सेल पड़ा हुआ. नाउ रोसेशिया, जो नॉर्मल रोसेशिया है वो आपको पता है कि इट्स कैरेक्टराइज बाय ब्रशिंग, परसिस्टेंट एरिथेमा, टेलंगजिकेजिया, स्पेफलोपस्टुलस एंड राइनोपैथी. लेकिन जो ग्रैनुलोमेटस रोसेशिया है, जो रोसेशिया की एक क्रॉनिक फॉर्म है, इट इज एसोसिएटेड विद ट्यूबरक्लॉइड ग्रैनुलोमा एंड इंटरफॉलिकुलर और पेरीफॉलिकुलर डिस्ट्रीज. केजिएशन नेक्रोसिस इज प्लस मन. डिफ्रेंशिएशन फॉर लूपस वल्गैरिस मे बी डिफिकल्ट बट मार्क वेस्कुलर डायलिटेशन इज सजेस्टिव ऑफ. ये क्लू है ग्रैनुलोमेटस रोसेशिया का टीबी से डिफरेंस का, क्योंकि टेलंगजिक्टेजिया तो रोसेशिया में होते हैं, ब्लड वेसल्स तो प्रोमिनेंट होती हैं, तो वो फीचर जब पेरीफॉलिकुलर ग्रैनुलोमास होंगे तो उसमें रिटेन होगा. This is, these are hair follicles and these are the granulomas. ये भी granuloma है और ये भी granuloma है perifollicle. तो ये granulomatous rosacea. ये बड़े typical granuloma है perifollicle. Joint cell भी नजर आ रहा है. Granulomatous keelitis. आप lips के chapter में पढ़ेंगे इसकी granulomatous keelitis को. It's a rare swelling of lips and more rare gingiva. It has a chronic course and it's a non-specific granulomatous inflammation with edema. When associated with facial nerve palsy and scrotal tongue, the syndrome is called as Melkerson or Rosenthal syndrome. Bada chronic hota hai, sirf lips ko nahi involve karta hai, even peri-oral bhi involvement ho jati. Histology would be just like a granulomatous histology. Ye tuberculoid granulomas hain with surrounding lymphocytes. Acne agmenata, now it's considered to be a variant of granulomatous rosacea. Lekin acne agmenata ke kuch aise features hain jo granulomatous rosacea mein nahi hote. Misal ke taur pe is acne agmenata mein telangiectasias nahi hote. Acne agmenata mein induration ya rhinophyma nahi hota. Acne agmenata mein aapko papules milenge aur pustules rarely honge, mainly papules honge जो पेरी ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन में होंगे. एंड अनदर फीचर जो एक्नी एग्मेनेटा का या एक्नाइटिस का है, वो प्रेजेंस ऑफ स्कारिंग, पेरी ऑर्बिटल पेप्यूल्स विद स्कारिंग, नो पस्ट्यूल्स, नो टेलंगजिक्टेजियास, नो राइनोफाइन, नो एफबी इन द लेजन एंड नो रिलेशन टू टीबी. इसको भी ट्यूबरक्लॉइड की तरह. अच्छा, इसमें एक्नी एग्मेनेटा में केजिएटिंग ग्रैनुलोमास मिलते हैं. अब यहाँ पे केजिएशन नेक्रोसिस है और केजिएशन नेक्रोसिस के इर्द गिर्द ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन. टीबी में भी ऐसी होता है. टीबी से डिफरेंशिएट ऑफ कोर्स इस तरह करेंगे कि ये मल्टीपल लीजन्स और छोटे लीजन्स. टीबी यूजुअली फेस पे सॉलिटरी लीजन के साथ मैनिफेस्ट करेगी.
ये केजिएशन है सराउंडेड बाय ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। जब केजिएशन होगी तो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन केजिएशन के इर्द गिर्द, ये नीचे केजिएशन है और ऊपर आपको एपिथेलियोइड सेल ग्रैनुलोमास मिल। टीबी के अंदर ग्रैनुलोमास ट्यूबरक्लॉइड लेप्रेसी में मिलेंगे, बॉर्डरलाइन ट्यूबरक्लॉइड में मिलेंगे और समटाइम्स बॉर्डरलाइन लेप्रेसी में मिलेंगे। बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस लेप्रेसी में ग्रैनुलोमास नहीं होंगे। कहीं कहीं पे आपको हिंट जरूर मिलेगा कि जैसे कि मैक्रोफेजेस नर्व्स के गिर्द अरेंज्ड हैं, लेकिन वेल फॉर्म्ड ग्रैनुलोमास आर नॉट प्रेजेंट इन बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस लेप्रेसी। तो ट्यूबरक्लॉइड लेप्रेसी में यस, बॉर्डरलाइन ट्यूबरक्लॉइड में भी यस, और बॉर्डरलाइन में बहुत मे बी टाइप के थोड़े बहुत ग्रैनुलोमास हमको मिलेंगे। ट्यूबरक्लॉइड लेप्रेसी की हिस्टोलॉजी एपिथेलियोइड ग्रैनुलोमास हैं, देयर इज नो ग्रैनुलर जोन, वो लेप्रोमेटस में होती है। दीज ग्रैनुलोमास आर अरेंज्ड अराउंड अ न्यूरोवैस्कुलर बंडल एंड इरेक्टर पाइलोरा। हमें ना मसल और नर्व दोनों के गिर्द ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन मिलेगी। ओवल इलोंगेटेड ग्रैनुलोमास अलोंग द नर्व्स एंड वेसल्स, जो ग्रैनुलोमास हैं वो इस तरह से ना इलोंगेटेड होते हैं अलोंग द एपिडर्मस। Lymphocytes in giant cells are fewer in borderline tuberculoid and fewer still in BB leprosy, in borderline leprosy. This is a granuloma of tuberculoid leprosy. यहाँ पे ये granulomatous inflammation है, यहाँ पे नीचे भी है, आपको giant cells भी मिल रहे हैं इसके अंदर। ये जरा ज्यादा typical, इस तरह से ना लंबे लंबे कोर्ट स्लीव टाइप ग्रैनुलोमा होंगे ट्यूबरक्लॉइड लेप्रेसी। और ये जो टिश्यू है ना नीचे, ये नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू की पहचान ये है कि उसके जो फाइबर्स है ना वो उसके न्यूक्लियस स्पिंडली हैं और वेवी हैं। यहाँ पे चूंकि इन्फ्लेमेशन ज्यादा है इसलिए इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही, लेकिन ग्रैनुलोमा आप जो इसका कैच है ना ट्यूबरक्लॉइड लेप्रेसी का कैच है, मतलब हाउ वुड यू डिफरेंशिएट अ साइट ऑफ ट्यूबरक्लॉइड लेप्रेसी फ्रॉम लूपस वल्गैरिस या कुटेनियस लिश्मेनिया। लूपस वल्गैरिस और कुटेनियस लिश्मेनियासिस में ग्रैनुलोमास काफी डिफ्यूज होते हैं, डर्मस को काफी हद तक ऑक्यूपाई किया होता है ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, लेकिन ट्यूबरक्लॉइड लेप्रेसी में ग्रैनुलोमास इतने डिफ्यूज नहीं, ये डिस्क्रीटली अरेंज होते हैं अराउंड द नर्व्स एंड इरेक्टर पाइलाई। और ग्रैनुलोमास राउंड राउंड के बजाय एलिप्टिकल या इलोंगेटेड ग्रैनुलोमास, ये आप चीज याद रखें आइंदा के लिए। अगर हमारे पास S100 की फैसिलिटी है और हम कंफ्यूज हैं कि वेदर इन ग्रैनुलोमास में नर्व ट्विक्स हैं, तो हम S100 करा के नर्व्स को आइडेंटिफाई कर सकते। अब यहाँ पे देखें, ये अगेन ये जो ये नर्व्स नजर आ रही हैं, यहाँ पे वेवी न्यूक्लियाई हैं नर्व्स के और इसके इर्द गिर्द लिम्फोहिस्टोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट। ये अगर तो ये इन्फिल्ट्रेट ग्रैनुलोमेटस नहीं है, लिम्फोहिस्टोसाइटिक है, तो फिर हम इसको ट्यूबरक्लॉइड लेप्रेसी नहीं कहेंगे, हम इसको इनडिटर्मिनेट लेप्रेसी। ये मैंने सिर्फ इसलिए लगा, अच्छा ये अब आप इसको देखें कि यहाँ पे ऊपर तो आपको फोमी मैक्रोफेजेस शीट्स में नजर आ रहे हैं, लेकिन नीचे यहाँ पे एक ग्रैनुलोमा पड़ा हुआ है। तो प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रैनुलोमा ये जाहिर करता है कि ये बॉर्डरलाइन या बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस की कोई फॉर्म है, ये लेप्रोमेटस लेप्रेसी नहीं, क्योंकि ग्रैनुलोमा का हिंट मिल गया इस केस। तो अगर तो कोई हिंट मिल गया तो वो लेप्रोमेटस लेप्रेसी नहीं हो, वो फिर बॉर्डरलाइन या बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस है। सब पोलर लेप्रेसी इज बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस, और बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस लेप्रेसी में माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री एबंडेंस में मिलेंगे, तो हमें लेप्रा स्टेन कराएंगे और फिर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेप्रोमेटस लेप्रेसी का जिक्र ग्रैनुलोमा में सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि लेप्रेसी का हम वैसी डिस्कशन कर रहे हैं। लेप्रोमेटस लेप्रेसी में देयर विल बी अ ग्रैन जोन और फोमी मैक्रोफेज, लेकिन ये कहीं तौर किसी तौर पे भी ग्रैनुलोमेटस हिस्टोलॉजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना एपिथेलियोइड सेल्स हैं ना टाइटली पैक्ड। नोडुलर फॉर्म ऑफ सेकेंडरी सिफिलिस, दिस इज सीन इन लेट सेकेंडरी स्टेज ऑफ सिफिलिस।
बाज दफा टेरिटरी सिफिलिस में होगा. प्लाज्मा सेल्स आर जनरली बट नॉट ऑलवेज प्रोमिनेंट. एंडोथेलियल स्वेलिंग होगी और ऑक्लूजन ऑफ ब्लड वेसल्स होगी. ये एक रेयर अकरेंस है ग्रैनुलोमास की सेकेंडरी सिफिलिस, लेकिन हो सकती. लेकिन जनरली हम जो ग्रैनुलोमास हैं वो लेट सिफिलिस या टर्शियरी सिफिलिस की स्टेज में देखते हैं. और गमा जो है ना उसका नेक्रोसिस बिल्कुल केजिएटिंग नेक्रोसिस है, जैसे लेप्रोमेटस लेप्रसी का है. देयर इज मैसिव केजिएशन नेक्रोसिस सराउंडेड बाय ग्रैनुलोमास एंड लिम्फोप्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेट एंड फाइब्रोसिस. तो जो टीबी का नेक्रोसिस है उसको भी आप मैसिव कर दें तो गम्मा का नेक्रोसिस हो जाता है. नाउ कुटेनियस लिक्विनेसिस जो आपको एग्जाम में भी बहुत आएगा और एक बड़ी कॉमन हैपनिंग है हमारी, एक बहुत कॉमन हिस्टोलॉजी है कुटेनियस लिक्विनेसिस. कुटेनियस लिक्विनेसिस में भी ट्यूबरक्लोइड ग्रैनुलोमा डिस्क्रीट नहीं है, ग्रैनुलोमास एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं. और दूसरा फीचर ये है कि देर विल बी अ डेंस लिम्फोप्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेट. प्लाज्मा सेल्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं लिक्विनेसिस के. इसके अलावा अगर तो वो वेट टाइप लिक्विनेसिस है तो उसमें न्यूट्रोफिल्स भी मिलेंगे. तो एक डेंस सा इन्फिल्ट्रेट होता है सराउंडिंग द ग्रैनुलोमा. जायंट सेल्स आपको आमतौर पर मिलते हैं फॉरेन बॉडी टाइप और लैंगन टाइप दोनों. उस वक्त तक हम कुटेनियस लिक्विनेसिस को कुटेनियस लिक्विनेसिस डायग्नोस नहीं कर सकते जब तक हमें इंट्रा सेलुलर एल टी बॉडीज नहीं मिली. एल टी बॉडीज एब्रीविएशन है लिक्विनिया ट्रोफोसाइट बॉडीज का. लिक्विनिया पहले जो हम टर्म यूज करते थे एल टी बॉडी लिक्विनिया डोनोवनाई की, वो हम स्किन में इसलिए यूज नहीं करते कि स्किन में लिक्विनिया डोनोवनाई नहीं होता. ये विसरल लिक्विनिया का पैरासाइट. स्किन में हम आमतौर पर हमारे एरिया में या लिक्विनिया जो लिक्विनिया है वो लिक्विनिया मेजर और ट्रॉपिका है. तो एंटीबॉडी लिक्विनिया ट्रॉपिका भी जाहिर नहीं करता, ये जाहिर करता है लिक्विनिया ट्रोफोसाइट बॉडी एंटीबॉडी. अब ये एक व्यू है जो अगर आपने एग्जाम में 40 मैग्नीफिकेशन पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा ये मल्टीपल डॉट डॉट जो नजर आ रहे हैं इंट्रा सेलुलर सारे एलटी बॉडी और ये मैक्रोफेजिस के अंदर पड़ी. और आप एक अंदाजा करें इसके साइज को देख के कि मैक्रोफेज का न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस में कितना फर्क. एक दो एलटी बॉडीज पे डायग्नोसिस नहीं होता, हमेशा जब एलटी बॉडीज होती हैं तो न्यूमरस होती. एक दो एलटी बॉडीज यकीनन, और दूसरी बात है कि ये सारी की सारी एक साइज के सेल्स होते हैं, छोटे छोटे लेकिन एक साइज के नुक्ते जैसे. अगर कोई बड़े छोटे सेल्स हैं तो वो फिर एल्टी बॉडीज नहीं है, वो फिर न्यूक्लियर डस्ट होगी. तो एग्जाम में कुटेनियस लिक्विनेसिस की स्लाइड उस वक्त तक डायग्नोस नहीं करेंगे जब तक आपको एल्टी बॉडीज नहीं मिले. और जाहिर है एग्जाम में हम टिपिकल स्लाइड ही लगाते हैं जो जिसमें एल्टी बॉडीज होती है. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे दूसरे टाइप के ग्रैनुलोमा जो सार्कोइडल ग्रैनुलोमास कहलाते हैं. सार्कोइडल ग्रैनुलोमा के तीन फीचर्स हैं जो फीचर्स ट्यूबरक्लोइड ग्रैनुलोमा से डिफरेंट है. पहला फीचर कि सार्कोइडल ग्रैनुलोमास जो होते हैं ना वो डिस्क्रीट ग्रैनुलोमास होते हैं. अब यहाँ देखें ये सारे ग्रैनुलोमास हैं और इनके दरमियान रेटिकुलिन शीट्स हैं जिसकी वजह से ये ग्रैनुलोमा एक दूसरे के अंदर मर्ज नहीं हो रहे, अलग अलग पड़े हुए. एक तो ये कि डिस्क्रीट है, दूसरा इसके इर्द गिर्द जो इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट है वो इतना ज्यादा डेंस नहीं. इसी वजह से इन ग्रैनुलोमास को नेकेड ग्रैनुलोमास भी कहा जाता है. और तीसरा इन ग्रैनुलोमास में जो सेल्स हैं वो फॉरेन बॉडी टाइप जॉइंट्स हैं. तो ये तीनों चीजें डिफरेंट थी टीबी में. नंबर एक ग्रैनुलोमास डिस्क्रीट नहीं थे, नंबर दो डेंस इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट था, और नंबर तीन लैंगन टाइप जॉइंट सेल्स. जबकि सार्कोइडोसिस में डिस्क्रीट ग्रैनुलोमा है, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट बहुत स्कैंटी है, और जॉइंट सेल्स जो हैं वो फॉरेन बॉडी टाइप. सार्कोइडल ग्रैनुलोमा सार्कोइडोसिस के अलावा फॉरेन बॉडी रिएक्शंस में होता है.
बाकी अदर कंडीशंस इतनी कॉमन नहीं, लेकिन मेनली सार्कोइडोसिस और फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा आप याद रखें। सार्कोइडोसिस मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, यहाँ पे लिखा बहुत है कि इट्स अ मल्टी सिस्टम डिजीज, इफेक्ट लंग, लिफ नोड, स्किन, लिवर, स्पीन एंड आई। मैं आपको बताऊं एक पासिंग सी एक रेफरेंस कि स्किन की इन्वॉल्वमेंट सार्कोइडोसिस में 20-30% केसेस में होती है, ये शायद उससे भी कम परसेंट। लेकिन स्किन की जो फाइंडिंग है वो हम क्लिनिशियंस को हमेशा मदद देती है टू डायग्नोज सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस अगर लंग का सार्कोइडोसिस है या किसी और बॉडी का सार्कोइडोसिस है तो लंबे अरसे तक अनडायग्नोज चल रहा होता है, क्योंकि आमतौर पर मल्टीपल बायोप्सीज में कुछ मिल नहीं रहा होता। जब स्किन पे आता है और हम स्किन पे डायग्नोज करके सार्कोइडोसिस देते हैं तो क्लिनिशियन के लिए काम बहुत आसान हो जाता है। हम इसके अलावा आप हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर कैल्सीयूरिया होता है सीरम कैल्शियम लेवल कराएंगे, सीरम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम करवाएंगे जो हमें सपोर्ट करेगा, और चेस्ट एक्सरे कराएंगे अगर आपको सार्कोइडोसिस टाइप हिस्टोलॉजी मिले। सार्कोइडोसिस में कुछ टिपिकल स्किन लेजन्स हैं जो स्पेसिफिक लेजन्स हैं और कुछ नॉन स्पेसिफिक लेजन्स। सार्कोइडोसिस के एरिथीमा नोडोजम के अलावा जितने फॉर्म के सार्कोइडोसिस हैं, पेपुलर है, नोडुलर है, लूपस परमियो है, उन तमाम के अंदर हिस्टोलॉजी में सार्कोइडोसिस सार्कोइडल ग्रैनुलोमास मिले, जबकि एरिथीमा नोडोजम इज लिटिल डिफरेंट, जिसमें ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो तो सकती है लेकिन वो उसका फीचर नहीं है। बेसिकली इट्स अ पैनिकुलाइटिस, अ लोबुलर पैनिकुलाइटिस। नोड्यूल्स एंड प्लाक्स भी हो सकते हैं स्किन कलर्ड, ये माइक्रोपेप्यूल्स और पेप्यूल्स हैं, पेरीऑर्बिटल माइक्रोपेपुलर सार्कोइडोसिस है, प्लाक्स हो गए, फिक्स एरिथीमेटस। टेस्ट एक्सरे को हमने करना है, हाइलर लिम्फेडनोपैथी देखनी है, लूपस परमियो, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मिडलाइन ग्रैनुलोमास आएंगे। मिडलाइन ग्रैनुलोमास में शामिल है म्यूकोकुटेनियस लिकमिनियसिस, वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस, राइनोस्टेरोमा। तो इस तरह के जो मिडलाइन ग्रैनुलोमास के डिफरेंशियल्स में आप याद रखेंगे लूपस परमियो, ग्रैनुलोमेटस रोजेशिया। हिस्टोलॉजी वही है कि देयर आर डिस्क्रीट ग्रैनुलोमास, लिटिल इन्फ्लेमेशन एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट साइज। इसके अलावा फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखा जाता है लेकिन सार्कोइडोसिस का टिपिकल फीचर नहीं। दो और फीचर्स होते हैं जो बहुत रेयरली मुझे भी बहुत कम देखने को मिलते हैं, एक तो शोमैन बॉडीज का जिक्र है और दूसरा सार्कोइडोसिस में ना एस्टेरॉयड बॉडीज का जिक्र है। पहले शोमैन बॉडीज क्या होती है, शोमैन बॉडीज क्या होती है, दीज आर शेल लाइक कैल्शियम इम्प्रेगनेटेड प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। कैल्शियम अगर है तो वो ब्लू कलर का होता है, एच एंड ई स्टेन में कैल्शियम ब्लू कलर का नजर आता है। तो आपको सार्कोइडल ग्रैनुलोमा के अंदर इस तरह के ब्लू रंग के डिपॉजिट्स नजर आएंगे जो जिनको हम शोमैन बॉडीज। एस्टेरॉयड बॉडीज क्या होती है, एस्टेरॉयड बॉडीज आर इओसिनोफिलिक स्टार लाइक स्ट्रक्चर इन द जॉइंट्स, जो ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर, ये जो फॉरेन बॉडी जॉइंट सेल हैं सार्कोइडोसिस में उनके अंदर आपको ये इओसिनोफिलिक स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं जिसके गिर्द एक हेलो सा है। अगर हमें स्टीरॉयड बॉडीज और शोमैन बॉडीज मिल जाती हैं तो हमारा डायग्नोसिस थोड़ा और कंफर्म और मजबूत हो जाता है कि ये सार्कोइडोसिस। डायग्नोसिस ऑफ सार्कोइडोसिस एक्सक्लूजन बट हिस्टोलॉजी कैन बी कंफर्मेटरी इन प्रेजेंस ऑफ टिपिकल। हमने ना जब हमें नेकेड ग्रैनुलोमा मिले, डिस्क्रीट ग्रैनुलोमा मिले, तो जनरली हमें ये कुछ स्टेन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, वी कैन डायग्नोस इट एज सार्कोइडोसिस। मैंने आपको ये बताया कि सार्कोइडल ग्रैनुलोमास आर आल्सो सीन इन फॉरेन बॉडी रिएक्शन लाइक सिलिका, लाइक टैटू मर्करी का भी हो सकता है, क्रोमियम, बेरिलियम, जर्कोनियम। ये स्टिच मटेरियल है ये जो नजर आ रहा है सारे फॉरेन बॉडी, और इसके गिर्द ये फॉरेन बॉडी जॉइंट सेल रिएक्शन, ये फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा।
नाउ यहाँ पे भी ये ब्लू ब्लू कलर के जो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं डर्मस में, ये फॉरेन मटीरियल और इसके गिर्द ये ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है, ये जॉइंट सेल्स भी नजर आ रहे हैं। बहुत सारे फॉरेन मटीरियल ग्रैनुलोमास बनाते हैं, स्टार्च है, कुछ ऑर्गेनिक है, कुछ इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में ये स्टार्च शामिल है, इसमें आर्टिफिशियल हेयर शामिल है ऑर्गेनिक जो है। इनऑर्गेनिक में फिर ये टैल्क है, टैटू मटेरियल है। इनऑर्गेनिक में वुड स्प्लिंटर्स भी हैं। तो ये दोनों तरह के जो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं वो पोलराइज माइक्रोस्कोपी में नज़र नहीं आए, लेकिन इनऑर्गेनिक मटेरियल नज़र आएंगे, कोई मेटल या कोई इनऑर्गेनिक मटेरियल वो नज़र आए। तो पोलराइज माइक्रोस्कोपी फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमास के लिए बहुत ज़रूरी। अब ये जिस तरह कैल्शियम यूरेट ऑक्सलेट कैरेटिन हेयर ये सारे क्रिस्टल्स इस तरह के, इनके गेस ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होते हैं। यहाँ पे आपको ये फॉरेन मटेरियल नजर आ रहा है, जब हम इसको पोलराइज माइक्रोस्कोपी करेंगे तो ये शाइन करेंगे फॉरेन मटीरियल। ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन इन टैटूज, उसमें सार्कोइडल ग्रैनुलोमा होगा, कोई टैटू किया पुराना टैटू होगा और टैटू के अंदर आपको पेप्यूल्स एंड नोड्यूल्स निकलने शुरू हो जाएंगे, तो वो होगा फिर ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन अगेंस्ट टैटू। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है क्रोमियम, ये टैटू मटेरियल, इसके गिर्द टिपिकल सार्कोइडल ग्रैनुलोमा। ये ग्रीन टैटू को रिमूव करना लेजर से भी बहुत मुश्किल है। लेजर्स जितने हमारे ये पीको लेजर होते हैं ये ब्लू और ब्लैक टैटूज को रिमूव करते हैं, लेकिन कलरफुल टैटूज के लिए ये लेजर्स भी इतने इफेक्टिव नहीं। हमने दो तरह के ग्रैनुलोमास कर लिए, मेनली ट्यूबरक्लॉइड ग्रैनुलोमा और सार्कोइडल ग्रैनुलोमा। ट्यूबरक्लॉइड ग्रैनुलोमा में हर तरह की इन्फेक्शियस डिजीजेस कवर हो गई और सार्कोइडल ग्रैनुलोमा में सार्कोइडोसिस के अलावा फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा। अब एक और वैरायटी है ग्रैनुलोमास की जिनको हम कहते हैं सपोरेटिव ग्रैनुलोमा या पस्टुलेटिंग ग्रैनुलोमा। These granulomas are characterized by epitheloid granulomas surrounding the central area of a neutrophilic collection or pustule. ये neutrophilic collection है center में और इसके गिर्द granulomatous inflammation है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे मैंने आपको caseation necrosis दिखाया है कि central में caseation थी और surrounded by granulomatous inflammation. Suppurative granuloma या pustulating granulomas में center में suppuration है और surrounded by granulomatous inflammation. इसके अलावा देर इज सूडो एपिथेलियोमेटस हाइपरप्लेजिया एंड इंटर एपिडर्मल और इंट्राफॉलिकुलर एब्स। आमतौर पर जो सपोरेटिव ग्रैनुलोमास हैं इनकी दो मेजर कॉजेस, एक तो एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया है जिसमें माइकोबैक्टीरियम मैरिनम है, कोलोनाय है, फोर्टीटम है, अल्सरेंस है वगैरह वगैरह, एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया। दूसरा डीप फंगल इन्फेक्शन। ये इन तमाम इन दोनों कंडीशंस में जो इस एरिया ऑफ सपोरेशन है इसके अंदर आपको या एफबीज मिलेंगे, एसिड फास्ट बैसिलाई मिलेंगे एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया के, या इन सपोरेशन के अंदर आपको पीएस पॉजिटिव फंगल बॉडीज मिलेंगी। मैंने आप वो सारी लिस्ट लिख दी है। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज सुपरफिशियल ग्रैनुलोमेटस पायडर्मा गैंगिनोजम या रप्चर्ड सिस्ट और पॉलिप। जब हम पस्टुलेटिंग ग्रैनुलोमा डायग्नोज करते हैं सपोरेटिव ग्रैनुलोमा तो हमें दो स्टेन लाजमी हो जाते हैं, एक तो एएफबी स्टेन और दूसरा पीएस स्टेन। एएफबी में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को ढूंढना बहुत मुश्किल है या एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरिया को ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन फंगस को पकड़ना ज्यादा आसान। हम फंगस का या पीएस भी कर सकते हैं और ग्रो कॉर्ड भी कर सकते हैं, और बाज लेबोरेटरी में जैसे एफआईपी में दोनों स्टेन किए जाते हैं। तो ये फंगल हाइफी हमें और स्पोर्स नजर आ रहे हैं। टिपिकल माइसिटोमा की कॉलोनी है, जिस तरह की ब्रांचिंग कॉलोनी सराउंडेड बाय न्यूट्रोफिलिक एब्सिस, और इसको एब्सिस को कॉलोनी सराउंडेड बाय न्यूट्रोफिलिक एब्सिस सराउंडेड बाय ग्रैनुलोमा। तो तीन टायर्स या तीन लेयर्स हैं इन ग्रैनुलोमास। दिस इज कॉक्सीडायडोमाइकोसिस में जो
फंगल बॉडी है उसको हम स्पीरियूल या स्पोरेंजिया कहते हैं। ये एक स्पीरियूल है जो जॉइंट सेल्स के अंदर पाया जाता है। अगेन इसके सराउंडिंग में इन्फ्लेमेशन हो, इसके सराउंडिंग में पस्टुलेशन होगी और सराउंडेड बाय रिम ऑफ ग्रैनुलोम। मैंने ना यहाँ पे मुख्तलिफ इमेजेस डीप फंगाई की शामिल कर ली है डेलिब्रेटली, ताकि आपको एक रिविजन हो जाए कि डीप फंगल कॉलोनीज माइकोसिस की कॉलोनीज कैसी नजर आती। ये है क्रिप्टोकोकोसिस। क्रिप्टोकोकोसिस में हिस्टोप्लाज्मोसिस की तरह से छोटी छोटी इंट्रासेलुलर बॉडीज हैं। ये क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स जो आमतौर पर हम एच आई वी में देखते हैं, हिस्टोसाइट्स के अंदर ये क्रिप्टोकोकस पड़े होते हैं और सराउंडेड बाय पस्टुलेशन। जाइगोमाइकोसिस, जाइगोमाइकोसिस में अगेन सपोरेशन है सराउंडेड बाय इन्फ्लेमेशन और जो फंगाए हैं वो बड़े बड़े हाइफी नजर आते हैं इसके, विच आर क्लियरली विजिबल ऑन एच एन ई स्किन। जाइगोमाइकोसिस जो है ना ये आमतौर पर आप देखते हैं इम्यूनोसप्रेस या डायबिटिक्स के अंदर। क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस जो सबसे कॉमन डीप फंगल इन्फेक्शन है, यहाँ पे जो फंगल कॉलोनीज है उनको हम कॉपर पैनीज कहते हैं। ये डार्क पिंकिश कॉलोनीज हैं, ये आमतौर पर कॉपर पैनीज ये पस्चूल वाले एरिया में जो सपोरेटिव इन्फ्लेमेशन वाला एरिया है वहां पे पाई जाए। ये पिंक सी कॉपर पैनीज। फ्यू हाइपोमाइकोसिस जो मेरे हिसाब से सेकेंड कॉमनेस्ट डीप फंगल इन्फेक्शन है। क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस में आपको ड्राई हाइपर कैराटोटिक प्लाक्स और नोड्यूल्स मिलेंगे। फ्यू हाइपोमाइकोसिस में मल्टीपल एब्सेसेस मिलेंगे। एब्सेसेस टाइप इन्फ्लेमेशन जो होती है वो फ्यू हाइपोमाइकोसिस, अगेन सपोरेशन वाला एरिया है सराउंडेड बाय ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन और इस सपोरेटिव एरिया में आपको ये बड़े ब्रांचिंग हाइफी मिले, हाइफी एंड ईस्ट। स्पोरोट्रिकोसिस, स्पोरोट्रिकोसिस में जो हम टिपिकल कहते हैं कि लिम्फेटिक्स के अलोंग स्प्रेड होता है और स्पोरोट्रिकोसिस हम लिशमिनियसिस और ट्यूबरक्लोसिस में भी देखते हैं, उसके अंदर जो फंगल कॉलोनीज होती हैं वो उनको हम टिपिक एस्टेरॉयड बॉडीज कहलाते हैं, एस्टेरॉयड बॉडीज कहती हैं और ये रेडिएटिंग इओसिनोफिलिक स्पोक्स हैं, जैसे कि एक ये जैसे कि सन रेज बाहर निकल रही होती है, इस तरह से अपीयरेंस होती है एस्टेरॉयड बॉडी। एटिपिकल माइक्रोबैक्टीरिया ले लें तो उनके अंदर भी सपोरेटिव सपोरेशन के एरिया के अंदर आपको एफबीज की कॉलोनीज, हम जेड एन स्टेन कराएंगे तो पिंकिश आपको कॉलोनीज मिलेंगी एफबीज। अब हमारा फोर्थ और आखिरी टाइप ऑफ ग्रैनुलोमा रह गया जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये बजाते खुद एक मेजर एक टाइप है, एक मेजर एक टाइप ऑफ डिजीज है जिसको हम नेक्रोबायोसिस या नेक्रोबायोटिक ग्रैनुलोमा कहते हैं या पैलिसेडिंग ग्रैनुलोमा कहते हैं। नेक्रोबायोटिक ग्रैनुलोमा का कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि जो कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा से मिलते हैं। नंबर एक, देयर विल बी सेंट्रल एरिया ऑफ नेक्रोबायोसिस। नेक्रोबायोसिस को कैजिएशन से ऐसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इट इज सम ऑल्टरेशन इन डर्मल कनेक्टिविटी। This is not a total structureless loss of dermal collagen. अब यहाँ पे ये normal dermis है, यहाँ पे आप देखें collagen fibers neatly पड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन यहाँ पे collagen fibers की disintegration हो गई। ये यहाँ का जो collagen fibers हैं वो इन collagen fibers से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है, लेकिन caseation necrosis की तरह totally structureless नहीं। ये जो gaps हैं collagen fibers के, इस गैप में अक्सर म्यूसिनस मटेरियल डिपॉजिट होता है, तो ब्लरिंग एंड लॉस ऑफ डेफिनेशन ऑफ कॉलेजन ऑफन इंक्रीज बेसोफिलिया और इओसिनोफिलिया प्लस स्ट्रिंगी ग्रेनुलर म्यूसिन एंड प्लस माइनस फाइब्रिन। अब इस नेक्रोबायोटिक एरिया के गिर्द देर इज अ रिम ऑफ ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। ये चीज भी याद रखें कि ग्रैनुलोमा एनुलर या नेक्रोबायोसिस लिपोइडिका में इतने वेल फॉर्म्ड ग्रैनुलोमास नहीं होते जितने ट्यूबरक्लॉइड या सार्कोइडल ग्रैनुलोमास में होते हैं। ये जो ग्रैनुलोमास हैं ये थोड़े से लूजली
फॉर्म्ड ग्रैनुलोमास हैं। जो एपिथेलॉइड सेल्स हैं वो बजाय एक टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर के वो पैलिसेडिंग अरेंजमेंट में है। पैलिसेडिंग अरेंजमेंट का मतलब है फेंस लाइक अरेंजमेंट, जैसे कि फेंस लगाते हैं ना, और फेंस में इस तरह से लकड़ियां लगी होती हैं, तो इस तरह से ये जो ग्रैनुलोमास हैं खड़े खड़े से ग्रैनुलोमा एपिथेलॉइड सेल्स, ये ग्रैनुलोमास बना तो रहे हैं लेकिन इतने वेल फॉर्म्ड ग्रैनुलोमास नहीं है। इसलिए ये जो खड़े खड़े से एपिथेलॉइड सेल्स हैं, इसी वजह से इन ग्रैनुलोमास को पैलिसेडिंग ग्रैनुलोमास भी कहा जाता है। ये जो रिम है एपिथेलॉइड सेल्स का, यहाँ पे आपको वेल फॉर्म्ड ग्रैनुलोमास ही मिल जाएंगे और जॉइंट सेल्स, ग्रैनुलोमा एनुलर टिपिकल पिक्चर है जी इसकी, छोटे भी हो सकते हैं, जनरलाइज भी हो सकते हैं। अच्छा, अपीयरेंस वाइज अगर लोकलाइज ग्रैनुलोमा एनुलर है तो आपको सेंट्रल एरिया ऑफ नेक्रोबायसिस, ये केजिएशन नहीं है, विथ सराउंडिंग रिम ऑफ ग्रैनुलोमा, ये टिपिकल हिस्टोलॉजी है ग्रैनुलोमा एनुलर की, ये नेक्रोबायोटिक एरिया है और इसके इर्द गिर्द ग्रैनुलोमेटस इंफ्लेमेशन है। ये एपिथेलॉइड सेल्स इस नेक्रोबायोटिक एरिया के गिर्द हैं। अगर हम इसका इस नेक्रोबायोटिक एरिया में एलास्टिन स्टेन कराएं तो देयर इज अ टिपिकली लॉस ऑफ एलास्टिन फाइबर्स, तो एलास्टिन वॉन गीसन स्टेन नेगेटिव होगा, और म्यूसिन स्टेन एल्शन ब्लू कराएंगे तो म्यूसिन ब्लू ब्लू म्यूसिन नजर आएगी इस नेक्रोबायोटिक फोकस के। जो एच एन डी के अंदर आपको जो गैप्स होते हैं ना कॉलेजन बंडल के, उसके अंदर ब्लूइश सा मटीरियल नजर आता है, बाज दफा हमें जरूरत भी नहीं पड़ती एल्शन ब्लू कराने। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये जरा वाइट नहीं ब्लूइश सा मटीरियल, अगेन ये म्यूसिन पड़ा हुआ है कॉलेजन बंडल्स के दरमियान। अच्छा, ग्रैनुलोमा एनुलर की एक वैरायटी परफोरेटिंग भी है, तो बाज दफा ग्रैनुलोमा एनुलर परफोरेट भी करते हैं। मैंने अपने स्लाइड सेशन में आपको बताया था कि परफोरेटिंग डर्मेटोसिस, सेकेंडरी परफोरेटिंग डर्मेटोसिस में ग्रैनुलोमा एनुलर और नेक्रोबायसिस लिपोइडिका आता है, यही जो नेक्रोबायोटिक मटीरियल है उसको वो एक्सक्लूड हो जाता है एपिडर्मस के। नेक्रोबायसिस लिपोइडिका प्रोटोटाइप डायबिटीज का, येलो ऑरेंजिश से प्लाक्स होते हैं ऑन द शिन एरिया और एडवांस केसेस में इनमें अल्सरेशन होती है, बेसिकली इट्स इन माइक्रो एंजियोपैथी। जो इसकी हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस है नेक्रोबायसिस लिपोइडिका की वो वैसी ही है कि जैसी ग्रैनुलोमा एनुलर की, कि सेंट्रल एरिया ऑफ नेक्रोबायसिस एंड सराउंडिंग रिम ऑफ एपिथेलॉइड ग्रैनुलोमास। लेकिन फर्क यह है कि ये जो हिस्टोलॉजी है ये फोकल नहीं है, ये एक डिफ्यूज हिस्टोलॉजी है। यहाँ पे एक बायोप्सी लगी हुई है तो आपको ये नेक्रोबायोसिस आपको पूरा थ्रू एंड थ्रू नजर आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी नेक्रोबायोसिस एलिप्टिकल या लॉन्गिट्यूडनली डिस्पोज्ड है, तो बड़े कन्फ्लुएंट एरियाज हैं नेक्रोबायोसिस विद हैवी सराउंडेड बाय ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन एंड इन्फ्लेमेटरी, ये सारे नेक्रोबायोटिक एरियाज हैं। फर्क ये है कि ग्रैनुलोमा एनुलर में फोकल और लोकलाइज नेक्रोबायसिस है, जबकि नेक्रोबायसिस लिपोइडिका में डिफ्यूज और एक्सटेंसिव नेक्रोबायसिस, फिर सराउंडेड बाय रिम ऑफ एपिथेलॉइड मैक्रोफेजेस एंड ग्रैनुलोमास एंड जॉइंट्स। अगेन नेक्रोबायसिस के अंदर इलास्टिक टिश्यू नहीं होगा और आपको मिलेगा म्यूसिनस मटीरियल। परफोरेशन नेक्रोबायसिस लिपोइडिका में भी हो सकता है, यहाँ पे आप देखें देर इज ब्रेक इन एपिडर्मस और ये जो नेक्रोबायोटिक मटेरियल है वो इस ब्रेक के थ्रू बाहर एक्सक्लूड कर रहा है। एटिपिकल फेशियल नेक्रोबायसिस लिपोइडिका, ये डिफरेंट वैरायटीज हैं इसको पढ़ने। रिमेटॉइड नोड्यूल्स, रिमेटॉइड नोड्यूल्स की भी जो हिस्टोलॉजी है वो भी बिल्कुल ग्रैनुलोमा एनुलर जैसी, सेंट्रल नेक्रोबायसिस है सराउंडेड बाय रेडियली अरेंज एपिथेलॉइड सेल ग्रैनुलोमा। ग्रैनुलोमा मल्टीफॉर्मिंग,
ग्रेनोमा मल्टीफॉर्मी हमारे एरिया में नहीं होता, आमतौर पर ब्लैक्स अफ्रीकन में होता है. स्किन कलर्ड पेप्यूल्स विच कोलेस टू फॉर्म एनुलर लीजन, मतलब पेप्यूल्स इन एनुलर कॉन्फिगरेशन. और इसकी हिस्टोलॉजी ग्रेनोमा एनुलर और नेक्रोबायोसिस लिपोडिका से मिलती जुलती है, लेकिन जो नेक्रोबायोटिक ग्रेनोमाज हैं वो इल डिफाइंड. एक्टिनिक ग्रेनोमा, ये क्रॉनिक एक्टिनिक डर्माटाइटिस में, क्रॉनिक सन डैमेज स्किन में बार दफा आप हिस्टोलॉजी करेंगे तो आपको नेक्रोबायोटिक ग्रेनोमाज मिलते हैं, जिनको हम एक्टिनिक ग्रेनोमाज कहते हैं. वही एरियाज ऑफ नेक्रोबायोसिस विच सराउंडेड बाय पैलिसेटिंग ग्रेनोमा, इनको एक्टिनिक ग्रेनोमा. इसकी बाकी तमाम फीचर वही होंगे, लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यू एंड प्रेजेंट ऑफ म्यूसिन इन द म्यूसिनस मटीरियल. तो जनाब यहाँ पे ये चैप्टर एंड हुआ ग्रेनोमेटस इन्फ्लेमेशन का. टू समराइज, मैंने आपको ये कहा कि आपने ग्रेनोमेटस इन्फ्लेमेशन का जहन बनाते हुए जब आप एग्जाम स्लाइड देख रहे होंगे और आपको आपने ग्रेनोमास को आइडेंटिफाई कर लिया डर्मस में, तब आपने एपिडर्मल की चेंजेस को इग्नोर करना है, नंबर ए. नंबर दो, ग्रेनोमास को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने डेंस इन्फ्लेमेशन के दरमियान पिंक एरियाज ढूंढने हैं जो एक्चुअली एपिथेलियोइड सेल्स की कलेक्शन है. तो वो हम इस तरह से अगर आप ये जहन में रखेंगे तो आप ग्रेनोमास को अच्छा आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वंस आपने एपिथेलियोइड ग्रेनोमास को आइडेंटिफाई कर लिया, अगला फेज ये है कि हमने ये डिफ्रेंशिएट करना है कि ये ग्रेनोमा किस तरह के हैं. अब ये ग्रेनोमा या ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हैं, या लिशमिनियसिस की वजह से हैं, या सार्कोइडोसिस की वजह से हैं, या ट्यूबरक्लोइड लेप्रसी की वजह से. आमतौर पर ये चार डिफरेंट डायग्नोसिस हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ट्यूबरक्लोइड, अगर ट्यूबरक्लोसिस की स्लाइड आएगी तो आमतौर पर उस स्लाइड में कहीं ना कहीं केजिएशन जरूर होगा, लेकिन केजिएशन के बगैर भी आपने डिफ्यूज ग्रेनोमास देखने हैं. ग्रेनोमास तो डिस्क्रीट हैं लेकिन आपस में मिल रहे हैं, कन्फ्लुएंट हो रहे हैं, और सराउंडेड बाय डेंस इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट विद लैंगहैंड टाइप जॉइंट सेल्स. एग्जाम में केजिएशन के बगैर उसूली तौर पे लूपस वल्गैरिस की या स्क्लेरोडर्मा की स्लाइड देनी नहीं चाहिए. तो मैं समझता हूँ कि एग्जाम में प्री रिक्विजिट है केजिएशन. तो केजिएशन जब होगा और ग्रेनोमा आप आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर देर वुड बी नो अदर डायग्नोसिस. दूसरी डायग्नोसिस है लीशमिनियसिस की. बिल्कुल वेल फॉर्म ग्रेनोमास होंगे, लिम्फो प्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेट होगा, डेंस प्लाज्मा सेल्स होंगे और आपको एंटीबॉडीज मिले. एग्जाम में एंटीबॉडीज के बगैर लीशमिनियसिस नहीं है. फिर सार्कोइडोसिस, नेकेड ग्रेनोमा होगा, डिस्क्रीट ग्रेनोमा होगा, स्कैंटी इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट होगा और फॉरन बॉडी जॉइंट सेल्स, ये भी बहुत टिपिकल होता है. फिर ट्यूबरक्लोइड लेप्रसी, ग्रेनोमास मिलेंगे, स्कैंटी ग्रेनोमास मिलेंगे, लॉन्गिट्यूडनली डिस्पोज्ड होंगे और उनके अंदर उन ग्रेनोमास के दरमियान में नर्व्स और मसल टाइप स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, तो आप ट्यूबरक्लोइड ग्रेनोमा डायग्नोज कर लेंगे. फिर हो सकता है कि एग्जाम में आपको ग्रेनोमा एनुलर की स्लाइड आ जाए, उसका फीचर है एरिया ऑफ नेक्रोबायसिस सराउंडेड बाय एपिथेलियोइड ग्रेनोमा. तो ये हाँ, ये भी हो सकता है कि आपको डीप माइकोसिस की स्लाइड आए. डीप माइकोसिस की स्लाइड जो भी आएगी उसके अंदर वेल फॉर्म्ड हाइफी नजर आ रहे होंगे, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस होगा या फ्यू हाइफो होगा, तो वो आपको उन एरियाज में ढूंढेंगे जिन एरियाज में न्यूट्रोफिलिक एब्सेंस. तो ये मेरी तरफ से सब कुछ हुआ, अब आपकी तरफ से सवाल क्वेश्चंस. No question? Everything is peripheral. The peripheral palisading मतलब arrangement किस तरह की होती है वो जरा समझा देंगे. ये मैंने ना आपको सबसे पहले जो ग्रेनोमा एनुलर की एक स्लाइड दिखाई थी, ये जैसे कि ये बायोप्सी समझिए इस किस्म के एक छोटे पेप्यूल की है. इस तरह का एक पेप्यूल आपने निकाला और इसकी ये हिस्टोलॉजी,
एपिडर्मस, स्ट्रेटम कॉर्नियम, एपिडर्मस, और ये डीप डाउन एक एरिया है, जिस ये जो एरिया है ना, ये वाइटिश सा, ये एरिया ऑफ नेक्रोबायसिस, और इस नेक्रोबायसिस के गिर्द एक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट सा है। इस इन्फिल्ट्रेट को हम हायर मैग्निफिकेशन पे दाखिल थे, ये नेक्रोबायोटिक एरिया है और इसके गिर्द ये ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। मैंने आपको नेक्रोबायोटिक ग्रैनुलोमा के बारे में बताते हुए ये कहा था कि नेक्रोबायोटिक ग्रैनुलोमास नेक्रोबायसिस के एरिया के गिर्द होते हैं, और दूसरे ये जो ग्रैनुलोमास होते हैं ये टीबी और सार्कोइडल ग्रैनुलोमास की तरह से वेल फॉर्म्ड ग्रैनुलोमास नहीं होते, ये इल फॉर्म्ड ग्रैनुलोमास होते हैं। एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं, कहीं पे टाइटली पैक्ड होते हैं, कहीं पे लूजली पैक्ड होते हैं, और जो एपिथेलॉइड सेल्स हैं वो जनरली खड़े खड़े से, जिस तरह से रेडिएटिंग स्पोक्स होते हैं ना, जैसे कि सन रेज निकल रही हैं धूप, हम जो टिपिकल एक ड्राइंग बनाते हैं बचपन में सन की, तो जो रेडिएटिंग रेज होती है ना, उस तरह से खड़े खड़े एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं। तो ये खड़े खड़े एपिथेलॉइड सेल्स पैलिसेडिंग ग्रैनुलोमा कहलाते हैं। इसका इसका दूसरा पहचानने का तरीका ये है कि जैसे कि आपने इस नेक्रोबायोटिक एरिया के गिर्द एक लकड़ी की फेंस लगा दी, तो जो लकड़ी की फेंस की जो लकड़ियां हैं ना, वो बेसिकली एपिथेलॉइड्स है, तो इसको हम पैलिसेडिंग ग्रैनुलोमा। इसमें जॉइंट सेल्स भी मिल जाएंगे और जिसके अंदर एपिथेलॉइड सेल्स तो होंगे ही, तो टाइटली पैक्ड ग्रैनुलोमा भी होंगे। थैंक यू सर। सर ये जो कैजिएशन होता है जस्ट ट्यूबरकुलोसिस में होता है या ट्यूबरक्लाइड जैसे कुटेनियस लीशमेनियासिस? जो कैजिएशन नेक्रोसिस है ना, वो टिपिकल है ट्यूबरकुलोसिस, लेकिन और भी ट्यूबरक्लाइड ग्रैनुलोमास में जो एक लिस्ट है ट्यूबरक्लाइड ग्रैनुलोमास की, उसमें कैजिएशन मिल सकता है। ये आपको मैं एक दफा दोबारा ट्यूबरक्लाइड ग्रैनुलोमास की लिस्ट दिखा रहा हूँ। मतलब सर ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए स्पेसिफिक नहीं है? इट इज नॉट स्पेसिफिक बट इट इज डायग्नोस्टिक फॉर ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन आपको इवन कुटेनियस लीशमेनियासिस में भी मिल जाएगा ये केजिएशन नेक्रोसिस, आपको क्रोन्स डिजीज में भी मिल सकता है, आपको ग्रैनुलोमेटस। अब ये एक्नी एग्मिनेटा में था, एक्नी एग्मिनेटा को अब कहीं पे भी ट्यूबरकुलोसिस नहीं कहा जाता, ये ग्रैनुलोमेटस रोजेशिया में भी डिफ्रेंशिएट किया जाता है इसको, या ट्यूबरक्लीट्स में भी किया जाता है, लेकिन नेक्रोबायोसिस हम एक्नी एग्मिनेटा में देखते हैं, हम क्रोन्स डिजीज में देखते हैं, हम इवन कुटेनियस लीशमेनियासिस में नेक्रोबायोसिस देख सकते हैं। तो नेक्रोबायोसिस अगरचे टिपिकल और डायग्नोस्टिक है टीबी का, लेकिन ये नहीं है कि अगर नेक्रोबायोसिस है तो डेफिनेटली टीबी है। तो आप बस ये ध्यान में रखें कि एग्जाम में अगर एक स्लाइड में नेक्रोबायोसिस लगाया जा रहा है तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट फॉर यू इट इज ट्यूबरकुलोसिस। ये वो कंडीशंस हैं कि जिनके अंदर नेक्रोबायोसिस हो सकता है, क्योंकि ट्यूबरक्लाइड ग्रैनुलोमास है, इसमें नेक्रोबायोसिस हो सकता है, लेकिन फिर भी जो टिपिकल कंडीशन है वो ट्यूबरकुलोसिस। सर One question hai sir, difference histologically between necrobiosis lymphoidica versus granuloma annulare. बताया तो था मैंने अपने talk में, आपने शायद वो के सुना नहीं, मैंने आपको ये बताया था कि चूंकि दोनों necrobiotic disorders हैं, दोनों के अंदर जो कुछ चीजें मुश्तरक हैं, एक area of necrobiosis सेंटर में और सराउंडेड बाय पैलिसेडिंग ग्रैनुलोमा या एपिथेलॉइड सेल, जो अभी मैंने एक सवाल के जवाब में बताया। फर्क सिर्फ ये है कि जो नेक्रोबायसिस लिपोडिका है उसमें जो नेक्रोबायसिस है वो बहुत एक्सटेंसिव नेक्रोबायसिस होता है, और नेक्रोबायसिस पूरा थ्रू एंड थ्रू डर्मस के अंदर मिलता है, जबकि ग्रैनुलोमा एनुलार में नेक्रोबायसिस फोकल होता है, एक एरिया लोकलाइज एरिया होगा नेक्रोबायोसिस का, जबकि नेक्रोबायोसिस लिपोडिका में बड़े लार्ज एरियाज होते हैं नेक्रोबायोसिस के। अब जिस तरह से ये ग्रैनुलोमा एनुलर है, ये एक फोकल एरिया ऑफ नेक्रोबायोसिस है इस साइड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यहाँ पे अब मैं नेक्रोबायोसिस लिपोडिका लगाऊंगा
तो आपने आपको मैंने बताया कि एक्सटेंसिव एरिया ऑफ नेक्रोबाइसिस कन्फ्लुएंट एंड लॉन्गिट्यूडनली ओरिएंटेड, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनली ओरिएंटेड एरियाज हैं लंबे लंबे नेक्रोबायसिस, मतलब लंबे लॉन्गिट्यूडनल एरियाज, वही चीज जो ग्रैनुलोमा एनुलर में, वो चीज नेक्रोबायसिस लिपोर्टिका में ज्यादा एक्सटेंसिव होगी। पॉइंट वेल टेकन, थैंक यू सर। दोनों में न्यूसिन में डिफरेंस है? सब कुछ वही होगा, जो जो ग्रैनुलोमा एनुलर में होगा वही नेक्रोबायसिस लिपोर्टिका में होगा। दोनों में म्यूसिन पड़ा होगा, दोनों में इलास्टिन टिश्यू लॉस होगा, तो ये दोनों में एक ही चीजें होंगी। सिर्फ ग्रैनुलोमा की नेक्रोबायसिस की शेप डिफरेंट होगी। सर देयर इज अ क्वेश्चन, पूछें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, वी कैन से दैट केजिएशन नेक्रोसिस इज मोर इओसिनोफिलिक एज कंपेयर्ड टू नेक्रोबायोसिस व्हेन वी सी हिस्टोपैथी। यस ऑफ कोर्स, दैट्स it will have more eosinophilic, that's the only difference between the two histologically. nahi 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 dekho maine aapko pehle bhi bataya ki jo necrobiotic area jo necrosis ke areas hain wo zyada eosinophilic ho jate hain, kyun ki nuclei loss ho jate hain us area mein. yes sir, isliye jo blue color hai wo nuclei ka hota hai. jab nuclei loss ho jate hain aur sirf cytoplasm ya cell membranes reh jati hain to wo area pinkish color deta hai. ji sir, eosinophilic necrosis aur necrobiotic necrobiosis mein major farak ye hai कि केजिएशन नेक्रोसिस टोटली स्ट्रक्चरलेस है, वहां पे आपको कहीं पे इंडिविजुअल डेफिनेशन ऑफ कोलेजन फाइबर्स नजर नहीं आती, बिल्कुल ऐसा इओसिनोफिलिक स्मजी मटेरियल मिल जाता है कि जैसे कि आपने इओसिनोफिलिक कलर अमॉर्फस मटेरियल कलर करके उसको ना आपने रूई से उसको स्मज कर दिया, जबकि नेक्रोबायसिस में मैंने आपको दिखाया था कि नॉर्मल कोलेजन नहीं है, ऑल्टर्ड कोलेजन है, लेकिन फिर भी और से देखने से कोलेजन की डेफिनेशन मिलती जरूर है, मतलब स्ट्रक्चर मौजूद है, इमारत की निशानियां हैं, अगरचे इमारत तबाह हो। जी सर, थैंक यू सर। हम ये कह सकते हैं नेक्रोबायोसिस जो है वो केजिएशन से एक स्टेज पीछे है अभी, इन शॉर्ट। ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन नेक्रोबायोसिस किसी भी स्टेज में केजिएशन नहीं बनेगा। नहीं सर, वैसे अपने याद करने के लिए लिपोर्टिका कुछ देर के बाद केजिएशन नेक्रोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये नहीं होगा। याद करने के लिए कह लें, लेकिन ये कोई कंटिन्यूम नहीं है, दिस इज नॉट अ कंटिन्यूम। सर प्लीज माइसिटोमा का एक दफा दोबारा रिवाइज कर दें। किसका? माइसिटोमा सर। माइसिटोमा तो मैंने क्लियरली आपको बताया ही नहीं। माइसिटोमा में, माइसिटोमा जो है डीप फंगल इन्फेक्शन की तरह से ये सपोरेटिव ग्रैनुलोमा होता है। जो माइसिटोमा की जो कॉलोनीज हैं या डी फंगाई की जो भी कॉलोनीज हैं उनके इर्द गिर्द एक न्यूट्रोफिल्स का रिम बनता है और उस रिम के गिर्द ग्रैनुलोमा होता है। ये माइसिटोमा की कॉलोनी जो है ना, ये इस तरह से रेडिएटिंग कॉलोनीज नजर आती हैं, मतलब जैसे लगता है कि जैसे कि ये यहाँ से बाहर की तरफ निकल रही है कॉलोनीज। इसकी और भी आप तस्वीरें करें, अगर पीएस देखें तो बहुत टिपिकल होता है, और चाहे माइसिटोमा हो, चाहे एक्टिनोमाइकोसिस हो, चाहे बोट्रोमाइकोसिस, कॉलोनीज की शेप यही होती है, और इसके गिर्द न्यूट्रोफिल्स का एक रिम होता है और इस न्यूट्रोफिल के रिम के गिर्द ग्रैनुलोमा। जी सर, थैंक यू। सर सप्लेंडोर हॉपली फिनोमेना और स्ट्राइड बॉडीज एक ही चीज होती है? और कौन सी? हाँ, सर सप्लेंड हाँ, यस एक ही चीज है, ये जो स्पाइक से निकल रहे हैं ये वही फिनोमेना है। कौन सी स्टीरॉइड बॉडी? देखो जो एस्टीरॉइड बॉडीज सेम इस तरह से जरूर हैं कि वो एक स्टार लाइक पिंकिश मटेरियल है सार्कोइडोसिस में जायंट सेल्स के अंदर, जिसको हम एस्टीरॉइड बॉडीज कहते हैं। और ये जो एस्टीरॉइड बॉडीज हैं स्पोरोट्रिकोसिस की, ये भी उसी किस्म का स्टार लाइक मटेरियल है, लेकिन ये इंडिविजुअल हाइफी हैं, और ये जो है ना, इन ये जो हाइफी हैं ये मैक्रोफेजिस के बाहर भी पड़े हुए हैं, सिर्फ मैक्रोफेजिस के अंदर नहीं है, और इसके गिर्द एक न्यूट्रोफिलिक रिम भी। ये बड़ी साइज की कॉलोनीज है। बस स्लाइड होगी तो वो दोनों हम इस तरह से तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे, अगर दोनों में इस तरह से स्पोक
भी ये पड़ी हुई होगी स्टार शेप. आप किस क्या डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे सर सार्कोइडोसिस में और डीप फंगल इन्फेक्शन में. एस्टेरॉयड बॉडीज का मिलना एस्टेरॉयड बॉडीज का मिलना एक हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के लिए मेरे ख्याल से 1,000 में से 1% चांस है. 1,000 में से 1 तो समझ लीजिए कि एस्टेरॉयड बॉडीज हमें नहीं मिलती. ठीक आपको तो कभी भी नहीं मिलेगी. जब हम लेबोरेटरी में बैठे हुए बगैर किसी स्ट्रेस के सार्कोइडोसिस की स्लाइड्स देख रहे हैं मुझे तो आज तक अपनी मतलब 10 साल टर्मेटोपैथोलॉजी की जिंदगी में कभी स्टेरॉयड बॉडीज नहीं मिली. तो आपको कैसे मिलेंगी एग्जाम में. तो आप स्टेरॉयड बॉडीज को डिलीट कर दें अपने दिमाग. ठीक है सर. वैसे न्यूट्रोफिल का भी डिफरेंस न्यूट्रोफिल्स सर बाकी और डिफरेंस तो बेशुमार बताए हैं मैंने. वो सार्कोइडोसिस ग्रैनुलोमा है, ये सपोरेटिव ग्रैनुलोमा है, आउट ऑफ मैक्रोफेजेस हैं, ये फंगाए हैं, वो एक पिंकिश यूसिनोफिलिक है. तो कोई आपस में कोई दूर दूर तक कोई मुमासलत नहीं है. और एस्टेरॉयड बॉडीज और शोमैन बॉडीज को अपनी मेमोरी से डिलीट कर दें जब आप एग्जाम में स्लाइड देखने के लिए बैठे. नहीं मिलेगी आपको एग्जाम में, सवाल ही नहीं पैदा होगा. ठीक है जस्ट थ्योरेटिकल इंटरेस्टिंग. बस चलो जी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. बहुत अच्छा लेक्चर था. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक्स अ लॉट. ओके.